हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है चंद्रप्रभा वटे। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद्रप्रभा वटे के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल कौन से बीमारियों में किया जाता है, इसे लेने से हमें कौन से फ़ायदे मिलते हैं और इसे कैसे लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसे लेने से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चंद्रप्रभा वटी में शिलाजीत, गुग्गुलो, त्रिफलाज, देवदारु, नागरमोथा, पिप्पली, कपूर, लौंग और मरीच आदि ऐसे दिव्य आयुर्वेदिक औषधियों का समावेश मिलता है। तो इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए या फिर इसका इस्तेमाल कौन से बीमारियों में किया जाता है? तो सबसे पहले, अगर आपको यूटीआई की समस्या है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है, यानी आपको मूत्र मार्ग की इन्फेक्शन की समस्या है जिसकी वजह से आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर आपका जो पेशाब है रुक रुक कर आ रहा है, या फिर आपको पेशाब पास करते वक्त दर्द हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है, पेशाब का जो कलर है चेंज दिखाई दे रहा है, पेशाब से स्मेल आ रहा है, या फिर कभी कभार पेशाब में आपको खून दिखाई दे रहा है, तो ये सभी लक्षण जो है यूटीआई में दिखाई देते हैं, तो इसमें आप चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, यानी गुर्दे की पथरी की समस्या है, इसमें चंद्रप्रभा वटी बहुत फायदेमंद है। ये क्या करता है, डायूरेटिक की तरह काम करता है, मूत्रलह ये स्टोन को बाहर फेंकने के लिए मदद करता है। इसके अलावा अगर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याएं दिखाई दे रही है, जैसे कि BPH, इसमें भी चंद्रप्रभा वटी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा पुरुषों में अगर लिबिडो कम हुआ है, सेक्स करने की आसक्ति कम हुई है या फिर एरेक्शन में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी चंद्रप्रभा वटी बहुत फायदेमंद है। अगर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान, महामारी के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसमें भी चंद्रप्रभा वटी बहुत फायदेमंद है। ये क्या करता है, पेट दर्द को कम करता है और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी महसूस होती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, खाना अच्छे से पचन नहीं हो रहा है, तो इन सभी में चंद्रप्रभा वटी बहुत फायदेमंद है। ये क्या करती है, थकावट कमजोरी को कम करने के लिए मदद करती है, आपके जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हुई है, जिसे एनीमिया कहते हैं, इसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। ये आपके इम्यूनिटी को यानी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो इसका इस्तेमाल जो है दोनों पुरुष और महिलाएं कर सकते हैं। इसे कैसे लेना चाहिए, तो आपको क्या करना है, दो दो टैबलेट सुबह और शाम में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है आपको कम से कम 3 महीनों तक करना चाहिए। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यूजुअली इसे लेने से कौन से भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको इसे लेते वक्त कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तब आपको क्या करना है, इसे स्टॉप करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है हार्मफुल होता है, स्पेशली बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करने वाली महिलाएँ डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।